पार्टी के आरोपों पर राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के सचिव चंपत राय ने एक प्रेस रिलीज जारी कर अपना पक्ष रखा। चंपत राय ने दावा किया कि जो जमीन खरीदी गई वो खुले बाजार मूल्य से बहुत कम में खरीदी गई। साथ ही उन्होंने इसके जरिए जनता को गुमराह करने का आरोप भी लगाया। अयोध्या नगर निगम के मेयर ऋषिकेश उपाध्याय ने आरोपों को राजनीति प्रेरित बताया। हालांकि उन्होंने दावा यह किया कि वो तो सिर्फ मामले के गवाह हैं, ट्रस्ट मामले पर जवाब देगा जिसके बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। विटनेस है तो विटनेस को देखते हुए सर बता दिया, जब ट्रस्ट ने प्रेस रिलीज जारी कर दिया तो मैं विटनेस के बाद में बता रहा हूँ। तो जो अमाउंट का जो स्कैम बताया जा रहा है वो बताएगा ना ट्रस्ट, पुराना अनुबंध था, कितने दिन का था, क्या है, वो सब बताएगा। तो इस ये चीज़ जो काम हुआ था इसको पहले आपको नहीं पता था कि ये चीज़ ऐसे ऐसे होना है, कैसे हो गया कि ट्रस्ट ने प्रेस रिलीज जारी कर दिया है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने इसे राम मंदिर के निर्माण में रुकावट डालने की कोशिश बताया। साथ ही उन्होंने दावा किया कि विरोधी बिना किसी प्रूफ के आरोप लगाते रहते हैं। साथ ही उन्होंने दावा किया कि अगर कोई गड़बड़ी होगी तो उसकी जांच की जाएगी। जिनके हाथ राम भक्तों के खून से रंगे हैं वो सलाह ना दें, अगर कोई किसी ने भी गड़बड़ किया होगा ट्रस्ट उसकी जाँच करेगा और जो दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। और रामलला का भव्य मंदिर निर्माण का काम चल रहा है, वो भव्य मंदिर का निर्माण का कार्य होगा और सलाहकार ना बने, पूज्य साधु संत वहाँ पे मंदिर निर्माण संघ जो ट्रस्ट है उसके साथ जुड़े हुए हैं और सबको विश्वास है कि कहीं अगर कोई गड़बड़ है तो उसकी जांच होगी, जो दोषी होगा कार्रवाई होगी। अजीत, जिस तरीके से अभी मीटिंग का दौर चल रहा है, आप बता रहे हैं अभी भी मीटिंग हो रही है, ये मीटिंग कब खत्म होगी? क्या आधिकारिक तौर पर भी ट्रस्ट की तरफ से चंपत राय के अलावा भी कोई बयान आने की संभावना है? क्या ये उम्मीद लगाई जाए और क्या अभी कोई जांच की बात भी ट्रस्ट की तरफ से कही जा सकती है? देखिए बिल्कुल अर्पिता, मीटिंग लगातार चल रही है और कहा जा रहा है 4 बजे चंपत राय प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। हमारे सहयोगी केबी भी हैं जो नजदीक से अयोध्या को जानते हैं, किस तरह जमीन विवाद के बाद केबी लगातार मीटिंगें चल रही हैं और अब कहा जा रहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी? देखिए जिस तरह से विवाद सामने आया था कि जो विवादित जमीन है उसको लेकर जो सपा नेता का जो एक आरोप आया था उसको लेकर अब ट्रस्ट भी हमलावर हो गया है और उम्मीद की जा रही है कि 4 बजे ही सर्किट हाउस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जिसमें DM भी मौजूद होता है क्योंकि अभी प्रतिनिधि सदस्य हैं। तो ये कहा जा रहा है कि उस ज़मीन का पहले 2013 से लेकर 2019 तक एक एग्रीमेंट था और एग्रीमेंट वो हर 30 साल रिन्यू होता गया और एग्रीमेंट 2 करोड़ में हुआ था। वही एग्रीमेंट जो है जो सुल्तान अंसारी के नाम हुआ 2 करोड़ में हुआ, बाद में उसी को 18.5 करोड़ में ट्रस्ट को बनामा कर दिया। देखिए अर्पिता, केबी भी बता रहे हैं कि जो जमीन था उसका पूरा सजरा आपसे थोड़ी देर बाद खुद चंपत राय सामने रखेंगे और 4 बजे कहा जा रहा है कि यही सर्किट हाउस में जहां मौजूद हैं सुबह से मीटिंग हो रही थी यहां 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, यानी बड़े खुलासे कर सकते हैं चंपत राय क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो संजय सिंह का भी जवाब देंगे, रणदीप सुरजेवाला का भी जवाब देंगे, प्रियंका गांधी के ट्वीट का भी जवाब दिया जाएगा और पवन पांडे जिन्होंने दस्तावेज के आधार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था उनके भी जवाब देंगे, इसकी तैयारी चल रही है। यानी शाम 4 बजे पर भी नजर रहेगी क्योंकि मीटिंग्स चल रही है और अब क्या कहा जाता है ट्रस्ट की तरफ से आधिकारिक तौर पर इस पर भी नजर होगी। बहरहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया।